देखिए विनीता, इसमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, इसलिए हम सब देख रहे हैं। और इससे तो मतलब ये कोई विषय ही नहीं रह गया। अब विषय इस बात का है कि ये समस्या क्यों है और क्यों लगातार बढ़ती जा रही है घटने की बजाय। हमने 2014 में इस बात की परिकल्पना की थी, एक हम लोग उम्मीद पाले थे कि मोदी सरकार आएगी तो शायद जो हम कमियां देख रहे थे मनमोहन सिंह सरकार में, ये मान के चल रहे थे वो दूर हो जाएंगी। लेकिन वो तो नहीं दूर हुई, स्थिति ये हो गई कि वो कमियां अब हमें बिल्कुल ये लगने लगी हैं कि वो दीप बराबर थी और इस समय जो है वो मतलब चिंगारी थी, अब तो ज्वालामुखी धधक रहा है। तो वो स्थिति है। तो नरेंद्र मोदी सरकार बेसिकली मैं उसको एग्जैक्ट एक शब्द में कहूं कि डिजास्टर गवर्नमेंट है, और इससे बड़ा डिजास्टर कंट्री के लिए हो नहीं सकता। देखिए अब ये मेरे आधार पे मत कहिए, नरेंद्र मोदी के ही आंकड़े बताते हैं कि भारत के 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज दे करके उनका पेट भर रहे हैं। मतलब इस देश के 80 करोड़ लोग भुखमरी की स्थिति में है, और यदि वो अनाज ना दे तो शायद उनके मरने की नौबत आ जाए। तो आप समझिए, आज ही इत्तफाक से यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने एक बयान दिया है कि दुनिया में 27 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं भुखमरी की स्थिति में। तो साहब, दुनिया में 27 करोड़ होंगे, हिंदुस्तान में 80 करोड़ है, और यदि इन 80 करोड़ में मान लीजिए 50% को घटा भी दें तो भी 40 करोड़। अब आप इससे समझते हैं, हालांकि वैश्विक आंकड़े को यदि हम देखें तो 24% जो है भुखमरे हिंदुस्तान में, और जो मौत होती है भुखमरी के कारण उसमें आप ये मान के चलिए कि 27% मौतें भारत में होती। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि दुनिया के करीब 190 देश हैं, और 190 देशों में ये स्थिति है। यदि 116 देशों की जो पिछले साल का आंकड़ा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, उसको देख लें, तो हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में अफगानिस्तान को छोड़ के, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, कोई हो, श्रीलंका तक था तब, ये सारे हमसे अच्छी स्थिति में थे, हम बुरी हालत में थे, इतने हम भुखमरे बन गए। तो साहब ये किसने बना दिया? इसके बाद में रुपए की हालत हम देख ही रहे हैं कि भारत के इतिहास में सबसे बदतर हो गई है। इसके बाद में हम हैप्पीनेस इंडेक्स को देख रहे हैं कि भारत बदहाली की स्थिति में है। हम जॉब के इंडेक्स में देख रहे हैं कि 90 करोड़ बेरोजगारों का देश बन गया है। हम जब इसी में आंकड़े देखते हैं कि महंगाई का सूचकांक क्या है, तो नरेंद्र मोदी के ही आंकड़े बताते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा महंगाई का दौर चल रहा है। इसके बाद में यदि हम इसको देख लें, सांप्रदायिकता के दौर में देख लें, तो सांप्रदायिकता के मामले में इतने चरम सांप्रदायिक स्थिति तो शायद 1947 में देश के बंटवारे के वक्त में नहीं थी, उससे ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है। इसके बाद में यदि हम देख लें कि किस तरीके से न्याय और व्यवस्थाएं भंग हुई हैं, उस इंडेक्स में भी हम दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आते जा रहे हैं लगातार। इसके बाद भारत सबसे ज्यादा कर्जदार हुआ है, इतिहास में सबसे ज्यादा कर्जदार हुआ है नरेंद्र मोदी के शासन में। 1947 से लेके 2014 तक 53 लाख करोड़ का कर्ज था, और आज 128 लाख करोड़ का कर्ज है, जो इस साल के अंत तक 153 लाख करोड़ हो जाने की उम्मीद है। अब आप समझ लीजिए कि करीब करीब 100 लाख करोड़ जो है नरेंद्र मोदी ही बढ़ा देंगे कर्ज जो है भारत पर। इसके अलावा सबसे बड़ा घाटे का बजट भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। इसके बाद आप देख लीजिए, जहां कहीं भी आप देखिएगा रुपया गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, हर चीज बर्बादी है। भारत के इतिहास में पेट्रोलियम और दूसरे सबके दाम जो है सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के काल में है। तो इन सब चीजों को जब देखेंगे, देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, चीन ने हमारे चारों तरफ कब्जा कर ही लिया है, पेंगोंग झील पे दूसरा पुल बना रहा है, पहला बना ही चुका है, डोकलाम में सड़क बनी चुकी है, दूसरा करीब 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर हमारे वो बैठा हुआ है। इसके बाद में और सारी चीजें लगातार आप देखिए, इसके बाद में सरकार मौज कर रही है, हमारे ऊपर टैक्स पर टैक्स और सेस पर सेस लाद करके लूटा जा रहा है,
और लूट करके उसे कहां भरा जा रहा है, उन लोगों के अय्याशी पर खर्च किया जा रहा है कि 8.5 हजार करोड़ के, 8.5 हजार, 8.5 हजार करोड़ के 2 प्लेन खरीदेंगे साहब, क्योंकि साहब को दुनिया के सबसे टॉप प्लेन से चलना है, साहब के लिए अंडरग्राउंड वो बनेगा और उसके बाद में उनका जो महल बन रहा है प्रधानमंत्री आवास के रूप में वो बनेगा, और उसके अलावा उनका ऑफिस दिव्य बनेगा। तो आप समझिए ये हो रहा है, तो इन सब चीजों में खर्च हो रहा है। देश के लोग भुखमरी में जा रहे हो और देश के चंद पूंजीपति दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हो। अदानी जैसे लोग जिनका हर 24 घंटे में नेटवर्क 3 लाख करोड़ के करीब बढ़ जाता है, आप बताइए हिंदुस्तान क्या है। एक तरफ आप कहते हैं सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया तो भैया अदानी अंबानी के लिए होगी और राहुल गांधी सही कहते हैं हम दो हमारे दो, और दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है, दूसरी तरफ हर व्यक्ति अपनी रोटी के लिए वो हो रहा होता है, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा होता है। तो जब ये हालात हो, आप देखिए भोपाल में वो द्विवेदी परिवार ने पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर ली, क्यों, क्योंकि खाना खिलाने के लिए उसके पास स्थिति नहीं थी। नरेंद्र मोदी के वाराणसी में आप देख लीजिए, वहां पर पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर ली गई। इसी तरीके से शाहजहांपुर में हुआ, इसी तरीके से और शहरों में हो रहा। आप हालात देख लिए, युवाओं के आत्महत्या करने की जो रेट है कितना तेजी से बढ़ गया है। आप ये समझिए कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं वो देश को ही नहीं पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। देश खोखला हो रहा है, देश के लोग भुखमरे हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, और इसका नतीजा है अराजकता और जो ये चल रहा है सांप्रदायिकता, इसका भयंकर दौर आने वाला है। और वो दौर आएगा कि कब किसके घर में आग लगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि आप मजबूर कर रहे हैं, सरकार ये बना रही है और सरकार इस दिशा में सबको ढकेल रही है। तो ये हालात है, और जब ये हालात हो तो सबको चिंता करना चाहिए। आप देखिए कितने ड्रामे हो रहे हैं, कहीं इसको किसी चीज को शिवलिंग बता देंगे, किसी चीज को मंदिर बता देंगे, किसी चीज को कुछ बता देंगे, तो ये सब करके आप देश को कहां ले जाएंगे, क्या यही चाहिए? क्यों? क्योंकि आप देश को डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से ले जाते हैं, धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। आप में यदि क्षमता है तो मुद्दों पे बहस कीजिए, तो वो आपकी क्षमता नहीं है, उसके लिए राहुल गांधी है कि मुद्दों पे राहुल गांधी बोले, हम तो धर्म पर बोलेंगे। आप देखिए, तो ये सब चीजें जब खड़ी हो तो निश्चित रूप से देश के लिए चिंताजनक है, और इससे आप समझ लीजिए हमारा देश कोई और टुकड़े टुकड़े नहीं करने को तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस काम को अंजाम देने को तैयार है, इसीलिए मैं कहता हूं ये डिजास्टर पीरियड भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए और पूरे समाज के लिए, इस बात को समझना होगा। जी विनीता जी, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।